देखिए 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करे उस सादा नीरा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए करे नाभादास नहीं होगा क्योंकि छपैच के लेखक है। और बी नंबर ऑप्शन करे नामवर सिंह, यह भी नहीं होगा क्योंकि प्रगित और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह है। ऑप्शन सी करें माथुर जी, यही हो गया यानी कि ओ सादा नीरा पाठ के लेखक कौन है, तो माथुर जी। ऑप्शन डी में दिया हुआ था राकेश मोहा राकेश, मोहा राकेश कौन है, सिपाही की माँ के पाठ के लेखक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न करें पुत्र वियोग किनकी लेखक है, यानी पुत्र वियोग किनकी लेखक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करें जयशंकर प्रसाद, यह नहीं होगा क्योंकि तुमुल कुलहल कलह के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। ऑप्शन बी में करें शमशेर बहादुर सिंह, यह भी नहीं होगा क्योंकि उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन डी में करें सुभद्रा कुमारी चौहान, ये ऑप्शन सी में सुभद्रा कुमारी चौहान करें यानी कि पुत्र वियोग की लेखक यही है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर पूछ देगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 में, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न बोला पूछा जा रहा है कि परसों लिरिप आ जाएगी और फिर सात दिन की छुट्टी, वाक्य की प्राकृतिक बताइए। तो यह संयुक्त हो गया यानी कि 13 का राइट आंसर ए होगा। 14 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है सीरियस किस वर्ग का शब्द है, तो याद रखिएगा विदेशी का है यानी कि 14 का राइट आंसर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है नील कुसुम किसकी रचना है, तो नील कुसुम जो है ना वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आप जान रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कौन है, और नरेश्वर लेखक है पाठ के लेखक है। अगर पूछ देगा कि रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु जन्म कब हुआ था, तो देखिए आपको हम एक्स्ट्रा में बता रहे हैं सब क्योंकि रिवाइज भी होगा और याद भी होगा। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को, साथ में आप याद रखिएगा।